हेलो फ्रेंड, कुक विद इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम रसगुल्ला बनाएंगे। ये बंगाल का बहुत ही फेमस स्वीट रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम ना तो कॉर्नफ्लावर या मैदा का यूज नहीं करेंगे। इसे मसलने का भी कोई झंझट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट रसगुल्ला हमारा बना है। इसे हम जितना दबाते हैं ये दब जाता है और ये खुद ही अपने शेप में आ जाते हैं। तो मैं इसे आपको काट के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अंदर से जालीदार है और ये सॉफ्ट है। तो इसे हम जितना दबा देते हैं ये उतना ही दब जाता है, देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है और ये कच्चा दूध है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। अगर आप आधा लीटर दूध से बनाते हैं तो आधा कप ही मिल्क पाउडर का यूज करेंगे और मेजरमेंट कप से ही माप के, या कटोरी या कप से, कोई भी चीज से माप के ही बनाएंगे। तो मिल्क पाउडर को हम घोलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे तो इसमें लम्स फॉर्म नहीं बनेगा। अगर हम एक बार डाल देंगे तो इसमें लम्स फॉर्म बन जाते हैं और ये आसानी से नहीं जाता है। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि लम्स फॉर्म एक भी ना रहे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे इसी पतीले में डाल देंगे। बस इसे अलग बर्तन में हमने इसीलिए मिक्स किया है ताकि लम्स फॉर्म ना बने मिल्क पाउडर का। अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाला है तो 4 कप पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि पनीर, जब हम दूध को फाड़ेंगे तो पनीर बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। तो ये बाउल को भी हम थोड़ा सा धो के डाल देते हैं। अब इसे हम उबालेंगे, तो हाई फ्लेम पे इसे 1 उबाल आने देंगे और इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा उबल गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा लो करना है। जैसे ही दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और इसमें हम विनेगर मिलाएंगे ताकि दूध फट जाएगा। विनेगर या नींबू का जूस भी मिला सकते हैं, और जितना विनेगर इसमें लगेगा उतना मिला के दूध को फाड़ लें। तो थोड़ा सा दूध को ठंडा करने के बाद ही हम विनेगर मिलाएंगे तो पनीर हमारा सॉफ्ट बनेगा। गरम गरम दूध में मिला देंगे तो पनीर टाइट हो जाता है, तो रसगुल्ला आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए दूध को थोड़ा ठंडा करने के बाद ही आप विनेगर को मिक्स करें। रसगुल्ले के लिए पनीर सॉफ्ट चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने विनेगर लिया था। तो इसे मिक्स करके हमने दूध को फाड़ लिया है। अब इसमें इतना देर नहीं रखेंगे, जैसे ही दूध फट गया है अब इसे फटाफट से छान लेंगे। तो एक बाउल लिया है, उसमें एक छन्नी ले लिया है, उस पे मलमल का कपड़ा ले लेंगे, कोई हैंकी या कॉटन का कपड़ा हम ले लेंगे और इसपे फटाक से ये पनीर डाल देंगे। इस पनीर को हमें ज्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं रखना है। अगर गर्म पानी में ज्यादा देर रह जाएगा तो पनीर टाइट हो जाएगा। अब इसमें फटाक से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि पनीर जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो इस पानी को आप फेंके नहीं, दाल बनाने में या तो आप आटा गूंदने में भी यूज कर सकते हैं। ये पानी में बहुत ही विटामिन होते हैं, या आप ऐसे भी पी सकते हैं। अब इस पनीर पे ठंडा पानी डाल देंगे और 2-3 पानी से पनीर को धो लेंगे। विनेगर जो हमने यूज किया है उसकी वजह से थोड़ी सी खट्टाई हो जाती है, तो 2-3 पानी से धो लेंगे तो ये खट्टा निकल जाएगा। इस तरीके से फैलाते हुए धो लेंगे अच्छे से, पनीर को इस तरीके से धो लेंगे और इसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा।
और इसे थोड़ा सा टाइट बांध देंगे और इसे छन्नी में या कोई ऐसे बर्तन पे रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा कोई वजन वाले सामान रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो आधा घंटा के लिए इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। आधा घंटा के बाद आप देख सकते हैं हमने इस पनीर को निकाल लिया है। अब इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख लेते हैं और पनीर हमारा बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो गया है। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। अब इस तरीके से अलग कर लेंगे और इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो ये 1 किलो दूध का है तो इसे हम 2 बार मिक्सी के जार में डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। मैं तो इस टाइम 1 बार डाली थी पर बाद में ये पीस नहीं रहा था तो मैं इसे आधा आधा कर ली थी। तो ये देख सकते हैं मैंने आधा पनीर को पीस लिया है, बहुत ही बारीक पीसना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट पनीर हमने पीस लिया है। पनीर को आप पीसने में ध्यान रखें, अच्छे से पीसेंगे तो ही आपके रसगुल्ला सॉफ्ट बनेगा। अगर देखेंगे कि जब हम रसगुल्ले का लोई तैयार करते हैं थोड़ा सा भी उसमें दरारे रहते हैं तो पनीर को और पीस लीजिएगा ताकि जब हम लोई बनाएंगे रसगुल्ले का बॉल जब हम बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो। तो हाथ पे बना के देख लेंगे, अगर सॉफ्ट बन रहा है, बहुत ही स्मूथ बन रहा है रसगुल्ले हमारा, तो हमारा पनीर अच्छा से पीसा है। अगर सॉफ्ट नहीं बन रहा है तो उसे आप अच्छे से पीस लें मिक्सी में। तो ये देखिए थोड़ा सा दरारे हैं तो मैं इसे बाद में और पीस ली थी। और इस तरीके का बॉल होना चाहिए, एक भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए रसगुल्ले में, तभी रसगुल्ला आपके सॉफ्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो मैंने सारे रसगुल्ले को बना के रख लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने लगभग 1.5 कप हमने चीनी डाला और इसमें 6 कप पानी डाल दिया है और इसे 1 उबाल आने देंगे। तो चीनी हमारा घुल गया है, इसमें चाहे तो आप इलायची का पाउडर या गुलाब जल या आप केवरा जल कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। आप उबलते हुए पानी में रसगुल्ला डाल देंगे, बिल्कुल पानी जब उबल जाएगा तो उबलते हुए पानी में हाई फ्लेम पे रसगुल्ला को डालेंगे। तो सारे को इसी तरीके से डाल देंगे और 2-3 मिनट तक ऐसे पकने देंगे खुले में, इसके बाद बंद कर देंगे लगभग 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रसगुल्ला का शेप बहुत ही डबल हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसे पलट लेंगे दूसरे साइड और इसे फिर से मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसे हम चेक भी कर लेंगे, अगर हमारी चाशनी गाढ़ी नहीं हुई है तो थोड़ी देर खुला में ही पका लेंगे। तो इसे पकने में 15 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जो हमने डाला था वो आधा हो गया है। अब इसे थोड़ी देर खुले में ही पका लेंगे ताकि चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, गाढ़ी हो गया है, इसी तरीके का होना चाहिए। अब आप चाहे तो इसी कढ़ाई में ठंडा कर ले या दूसरे बर्तन में रख के ठंडा होने के लिए रख दें। ये 10 से 15 घंटे के बाद ही आप रसगुल्ला खा सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाएगा और चाशनी और गाढ़ी भी हो जाएगी। तो मैंने दूसरे बर्तन में इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट भी हो गया इस तरीके से, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। तो फ्रेंड है ना, ये बनाना आसान, अब कोई भी झंझट नहीं है इसे मसलने का। और मिल्क पाउडर या मैदा का यूज, सॉरी मैदा या कॉर्नफ्लावर का यूज भी नहीं करना पड़ता है और हम मशीन में ही मिक्सी के जार में रसगुल्ला बना के फटाफट से तैयार कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।